गुड इवनिंग बच्चों, ये सामने आपके देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट आठवां आपके सामने है और ये लास्ट सेगमेंट है आपका, जिसमें मैं जो बचे हुए रूल्स आपके हैं वो सारे रूल्स मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए एक एक करके सारे रूल्स देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमको इनको प्रिपेयर करना है। तो जो पहला रूल है आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कभी भी बोथ के साथ अगर आपको बोथ का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ नॉट का प्रयोग कभी न करें। अगर आपको बोथ का ही प्रयोग करना, दोनों के सेंस में यूज़ करना है, तो आप नीदर ऑफ का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपको दोनों का प्रयोग करना है तो आप बोथ यूज़ करेंगे, और दोनों में से किसी के भी नहीं होने का प्रयोग करना है तो आप नीदर ऑफ का प्रयोग करिए, न कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग करिए। जैसे कभी ऐसे अगर सेंटेंस दिया गया हो आपको, बोथ ऑफ यू हैव नॉट, तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि बोथ के साथ यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये स्ट्रक्चर आपका क्या है बच्चों, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं कि बोथ के साथ आप क्या ले सकते हो, नॉट ले सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं बच्चों? आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप बोथ के स्थान पर पहले क्या ले लें, नीदर ऑफ का प्रयोग करें। किसका प्रयोग कर लें? नीदर ऑफ का प्रयोग करें। और जैसे नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे आप, तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नीदर ऑफ के साथ आप प्लूरल का यूज नहीं कर सकते हैं। किसका प्रयोग करना होगा आपको? सिंगुलर का प्रयोग करना होगा। तो जो वाक्य है आपका, अगर आप देख रहे होंगे, ये जो बोथ के साथ था वो आपने क्या लिया था? हैव। लेकिन जैसे ही आपने नीदर ऑफ यू लिया, ये क्या हो गया? हैज। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि अगर आपको कभी भी नीदर का प्रयोग करना है बच्चों, नीदर का प्रयोग करना है, या ईदर का प्रयोग करना है, या ईच का प्रयोग करना है, या एवरी का प्रयोग करना है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी आपकी नॉर्मली वो क्या होगी बच्चों? एसवी होगी, यानी सिंगुलर वर्ब होगी। इसलिए यहाँ जैसे आपने नीदर ऑफ लिया, नीदर ऑफ यू, तो वर्ब देखिए हैव होने के बजाय क्या हो गई आपकी? हैज हो गई। और अगर आपके मन में आए कि सर आपने तो नॉट भी हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि नीदर खुद क्या है? सिंगुलर, अरे नेगेटिव है आपका। तो जब नीदर नेगेटिव है तो फिर आपको हैज के बाद नॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बोथ ऑफ देम डिड नॉट, है ना? अभी मैंने कहा बोथ के साथ आपको नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर से आ जाएगा नीदर ऑफ देम, और अभी यहां डिड नॉट था ना, तो जब आप नीदर ऑफ के साथ लेंगे तो डिड के बजाय क्या हो जाएगा वर्ब की? सेकेंड फॉर्म, नीदर ऑफ देम वेंट देयर, यानी उनमें से कोई भी नहीं गया। ठीक है, तो कभी भी अगर बोथ ऑफ का स्ट्रक्चर हो और आपको नॉट लेना हो, तो उस बोथ ऑफ के बजाय आप क्या लें बच्चों? बोथ ऑफ को, और इसके साथ अगर नॉट दिया गया है तो ये खारिज कर दें, और इसके साथ क्या ले लें आप? नीदर ऑफ का प्रयोग करें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपके काम आएगा कि किस तरीके से इनको हमको हटाना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। ये रूल अब आपके वो है जो आपने नाउन में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे आप, कि ऐसे नाउन्स जो देखने में तो सिंगुलर होते ही हैं, यूज में भी सिंगुलर होते हैं, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे सीनरी हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे बटर हो, चाहे डर्ट हो। डर्ट समझते होंगे बच्चों, डर्ट मीन्स जो धूल के कण होते हैं वो डर्ट होता है, डस्ट भी आप जानते हैं, गंदगी को कहते हैं। चाहे इक्विपमेंट हो, मीन्स कोई उपकरण हो, नॉलेज आप जानते हैं, विजडम आपके पास है। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग संतान को कहते हैं। कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के द्वारा, वो ऑफस्प्रिंग कहलाता है। ऑफस्प्रिंग का प्लूरल आप बना सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, ये गलत है, बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रीफरेंस हो बच्चों ऑफस्प्रिंग को, वो ये हो कि आप इसको सिंगुलर के रूप में यूज़ करें, न कि प्लूरल के रूप में यूज़ करें। ईसू भी सेम वही बच्चों, ईसु की कई मीनिंग्स होती हैं। अगर आप जानते हैं ईसु मीन्स क्या होता है, एक जो आप कोई मुद्दा लेते हैं किसी से, ये मुद्दा बहुत गर्म है, मीन्स ये ईसु है, ये बहुत गर्म है। दूसरा ईसु क्या होता है? कोई समस्या,
जैसे मैं कहूँ मेरे उसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, यानी मेरी उसके साथ क्या है बच्चों, कुछ समस्याएं हैं, ये इश्यूज़ हो जाएगा आपका समस्या। और एक इशू क्या होता है इस सेंस में होता है संतान, जो अर्थ ऑफ स्प्रिंग का होता है, इस ऑफ स्प्रिंग का वही अर्थ इस इशू का भी होता है। तो जब आप इसे मुद्दे के रूप में ले बच्चों, मुद्दे के रूप में या समस्याओं के रूप में, तो आप इशू का प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कहें देर आर नंबर ऑफ इशूज इन दिस सोसाइटी, सही है, आई हैव सम इशूज विद हिम, मेरी उसके साथ कुछ समस्याएं, सही है। लेकिन अगर आप इसे संतान के अर्थ में प्रयोग करें और कहीं ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं फीमेल इशूज, गलत है बच्चों, जैसे मैंने फीमेल लिया इसका मतलब है कि हम इशूज का संतान के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब फीमेल इशू लेंगे तो वर्ब भी क्या हो जाएगा आपकी सिंगुलर हो जाएगी। बैगेज समझते होंगे, लगेज समझते हैं, सामान को हम कहते हैं दोनों को। पोस्टेज क्या होता है, जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो जो आप टिकट लगाते हैं, टिकटों का जो मूल्य होता है वो पोस्टेज होता है, जिसे प्रेषण शुल्क कहते हैं। ड्रेनेज ड्रेन से बना है, निकाश यानी एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई चीज़ आप निकाल लें, बाहर निकाल लें, ड्रेन कर रहे हो, वो आपका ड्रेनेज होता है। स्टेशनरी अध्ययन सामग्री होती है, ज्वेलरी जिसका आपको शौक होता है, क्राकरी मिट्टी के बर्तन होते हैं, मशीनरी दो होती है बच्चों। एक मशीनरी क्या होती है, जो सरकारी मशीनरी होती है, अर्थात सरकारी व्यवस्था जो थी, सरकारी मशीनरी यानी गवर्नमेंट मशीनरी वो होती है। एक मशीनरी मशीनों से संबंधित होती है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको व्यवस्था के सेंस में यूज़ करना है तो आप मशीनरी को सिंगुलर में यूज़ करिएगा, कभी भी मशीनरी आप लिखिएगा, ये है आपका मशीनरी, और ये व्यवस्था के सेंस में है तो इसको हमेशा सिंगुलर में यूज़ करिएगा। लेकिन अगर आप मशीनरी को मशीन्स के सेंस में यूज करिएगा तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं मशीन्स, और जब मशीन्स ले लेंगे तो आप जानते हैं उसका प्लूरल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मशीनरी अगर आप व्यवस्था के सेंस में लेते हैं तो आप इसका सिंगुलर यूज करिए, न कि प्लूरल यूज करिए, ठीक है। पॉटरी क्या होती है, कुम्हारी को कहते हैं, कुम्हार से संबंधित। वर्क का वर्क्स होता है बच्चों, लेकिन जैसे ही वर्क का वर्क्स लेंगे ना आप, वो क्या हो जाएंगी आपकी रचनाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी रचनाएं, जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं वो क्या होता है आपका वर्क्स, वर्क्स जैसे द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। लेकिन जब आप वर्क का प्रयोग कार्य के सेंस में लेंगे तो कार्य को आप गिन नहीं सकते हैं, तो वर्क को वर्क ही रखें और वर्ब सिंगुलर रखें। एविडेंस सिंगुलर रखें, प्रमाण को साक्ष्य को कहते हैं, परसेंटेज मैंने बताया था सिंगुलर होता है। पोएट्री सिंगुलर होती है, लेकिन पोएट्री के सेंस में, अगर पोएट्री का प्रयोग आप इस सेंस में करें बच्चों पोयम्स, तो वो प्लूरल हो सकता है। ट्रैफिक सिंगुलर यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर यूज करें, म्यूजिक सिंगुलर यूज करें, स्टोन, और मैं यहां लिख रहा हूं, एक मिनट बच्चों, ये आप देखें, अगर आप स्टोन का प्रयोग करते हैं, हेयर का प्रयोग करते हैं, मार्बल का प्रयोग करते हैं और ब्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये चार शब्द, स्टोन, हेयर, मार्बल और ब्रिक, अगर आप इनके पहले कोई न्यूमरल नहीं यूज कर रहे हैं बच्चों, कोई अंक प्लूरल यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको किस में रखेगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लीजिएगा। लेकिन अगर आपने इनके पहले 2, 3, 4, 5 कोई भी प्लूरल न्यूमरल यूज कर लिया है तो इनको किसके साथ यूज करिएगा, प्लूरल वर्ब के साथ यूज करेगा, ठीक है। आगे मैंने एग्जांपल्स दिए, अभी देखेगा। फिर आपका है ब्रेकेज, टूट फूट को कहते हैं, सिंगुलर यूज करिए। कन्फेक्शनरी समझते होंगे, जो हलवाई की दुकान होती है वो कन्फेक्शनरी होती है। बेकरी, जो बेकर की दुकान होती है वो बेकरी होती है। ब्रिक मैंने कहा ईंटों को कहते हैं। बिहेवियर सिंगुलर यूज करिए। हेयर अभी मैंने बोला, मार्बल लिखा आपने। वेस्टेज क्या होता है, जो बेकार की चीजें रद्दी की चीजें होती हैं वो वेस्टेज होते हैं। क्लॉथिंग सिंगुलर यूज करिए। मिस्चीफ शरारत के अर्थ में आप सिंगुलर यूज करिए। बिजनेस सिंगुलर यूज करिए और मनी नॉर्मली सिंगुलर यूज करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स कि हम इनको कैसे बनाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल्स मैंने कह दिया आपको, जैसे मैंने लिया आवर फर्नीचर्स आर, तो दो गलतियां हो गई बच्चों, पहला फर्नीचर्स नहीं होगा और दूसरा
इज हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो मैंने यहां दिया आवर फर्नीचर इज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, योर एडवाइसेस आर, नॉर्मल सेंस में एडवाइसेज न लें और आर के बजाय क्या ले लें, इज ले लें बच्चों। तो क्या हो गया देखे, योर एडवाइस इज हो गया। दीज इक्विपमेंट्स आर, इक्विपमेंट्स में एस न जोड़े तो एस नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, हो जाएगा इक्विपमेंट इज। माई इंफॉर्मेशंस आर, इंफॉर्मेशन में एस न जोड़े और आर को क्या बना लें, इज, तो इंफॉर्मेशन इज हो गया। अब ये देखिए, मैंने ब्रिक्स के पहले क्या दिया है बच्चों, 10 दे दिया, ठीक है। ब्रिक तो नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आएगा, तो लेकिन मैंने ब्रिक के पहले 10 दे दिया, 10, तो मैंने इसे न्यूमरल काउंटेबल नाउन बना दिया, अर्थात ये प्लूरल हो जाएगा। तो फिर यहां मैंने 10 ब्रिक्स ले लिया और वर्ब भी अगर रहती यहां पे, मान लीजिए विल नहीं होता और यहां विल के बजाय मुझे क्या लेना होता, आर, तो ये सही होता। क्यों, क्योंकि ब्रिक्स के पहले मैंने 10 लिया हुआ है। यहां भी देखें, हेयर्स है ना, नॉर्मली हमको लगता है कि हेयर्स नहीं हो सकता है, हो सकता है बच्चों, लेकिन कब, जब उसके पहले आपने कोई प्लूरल न्यूमरल लिया हो। तो मैंने लिया ना 5, इसलिए यहां पर आर जो है वो क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स आप देखेगा आगे और हम और देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपसे कहता है, कुछ नाउंस देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्रयोग में क्या होते हैं बच्चों, प्लूरल होते हैं। ये नाउंस कौन से हैं, पीपल, ध्यान रखिए बच्चों, पीपल यहां लोगों के सेंस में है, पीपल मीन्स लोग, यानी लोग के सेंस में। पीपल मीन्स एक और होता है आप जानते हैं, पीपल मीन्स राष्ट्र। जब पीपल का अर्थ राष्ट्र होगा तो आप पीपल का प्लूरल बना सकते हैं, कई सारे राष्ट्रों के सेंस में पीपल्स हो सकता है। लेकिन पीपल का अर्थ अगर लोगों के सेंस में आप लेंगे, ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, आपका प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल है। और जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो आपको इसे प्लूरल बनाने की एस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसे वही रहने दें, ठीक है। और कैटल है, कैटल मीन्स क्या होता है बच्चों, जो मवेशी होते हैं पशु वो कैटल होते हैं, गाय बैलों को कहते हैं हम, पुलिस आप जानते हैं, प्लूरल यूज करें न कि सिंगुलर यूज करें। वर्मिन दो होता है बच्चों, वर्मिन जब ऐसे कहते हैं लाइश हो या फिर फ्लीज हो, मीन्स अन्न वगैरह को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के सेंस में लें तो आप इसे प्लूरल के सेंस में लें। लेकिन वर्मिन का एक और अर्थ होता है बच्चों, कौन सा अर्थ होता है वर्मिन का, वर्मिन का अर्थ होता है कि एक दोषी यानी घृणित व्यक्ति। तो अगर आप एक वर्मिन का इसका एक घृणित व्यक्ति के अर्थ में यूज कर रहे हैं तो वर्मिन्स हो सकता है और इसके साथ क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। लेकिन जब आप वर्मिन का अर्थ आप किसके अर्थ में यूज करें बच्चों, लाइस के अर्थ में, यानी जुए वगैरह कीड़ों वगैरह के सेंस में यूज करें तो आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। जेंट्री, जो रूलिंग क्लास होता है, जो उच्च वर्ग होता है वो जेंट्री होता है, प्लूरल यूज करें। पीजेंट्री किसान वर्ग को कहते हैं, इंटेलिजेंशिया बुद्धिमान वर्ग को कहते हैं, क्लर्जी पादरी वर्ग को कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी में होते हैं, एडमिरल्टी नौवाहन सेना, जो ब्रिटिश नेवल सेना थी वो उसका जो ऑफिसर होता था उससे ऊपर का वर्ग होता था वो एडमिरल्टी कहलाता था, प्लूरल यूज करें। नोबिलिटी जानते होंगे, श्रेष्ठ जन को कहते हैं, प्लूरल में यूज करें। आर्टिलरी क्या होता है, तोप खाना होता है, प्लूरल में यूज करें। कैवलरी घुड़सवार सेना होती है, प्लूरल में यूज करें। इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, प्लूरल में यूज करें। टिनेंट्री असामियों का समुदाय होता है, प्लूरल में यूज करें। और पोल्ट्री मुर्गी पालन जो होता है उसे प्लूरल में यूज करें। यानी सारी वर्ड्स अगर आप देखेंगे बच्चों, सारी वर्ड्स देख के क्या लग रहे हैं ये सब, कि ये सिंगुलर है लेकिन वास्तव में इनका जो यूज होता है नॉर्मली वो क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है बच्चों, ये सारे वर्ड्स प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे मैंने दिया देखे, देयर कैटल, कैटल के साथ क्या लिया मैंने बच्चों, इज, तो ये क्या है आपका, गलत है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां इंडियन पीपल मैंने यानी राष्ट्रों के सेंस में नहीं लिया, मैंने यहां भारतीय लोगों के सेंस में लिया है तो इस गलत है ना, पीपल के सेंस में लोगों के सेंस में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द पुलिस हैज, मैंने पुलिस मैन नहीं लिया बच्चों, मैंने द पुलिस पूरा लोगों को लिया, पुलिस वालों को लिया, यहां हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों, हैव हो जाएगा। फिर है द इंटेलिजेंशिया,
और ये बुद्धिमान वर्ग है तो हैज नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहां पर, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाउन्स आपके जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन यूज में नॉर्मली प्लूरल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, ये आपका नेक्स्ट रूल है। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, समझिएगा बच्चों, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं और प्रयोग में भी क्या होते हैं, ये प्लूरल ही होते हैं। और जब प्रयोग में प्लूरल होते हैं तो इनका जब यूज करिएगा इनके साथ तो वर्ब आपकी प्लूरल होनी चाहिए। जैसे शैम्बल्स, शैम्बल्स क्या होता है, खंडहर वगैरह जो होता है वो शैम्बल्स होता है। सराउंडिंग्स आप जानते हैं, आपकी जो इर्द गिर्द होता है वो सराउंडिंग्स है, वातावरण जिसको कहते हैं। गट्स क्या होती है बच्चों, हिम्मत होती है, प्लूरल में यूज करें। ट्राउजर्स आप पहनते हैं, शेविंग्स आप जानते हैं, स्टेयर्स सीढ़ियों को कहते हैं, प्लूरल यूज करें। सीजर्स कैंची, प्लूरल यूज करें। रिमेन्स अवशेष, प्लूरल यूज करें। रिकॉर्ड्स अभिवादन, प्लूरल यूज करें। कस्टम्स शुल्क होता है, जो शहर वगैरह की सीमा जब पार करके आप दूसरे शहर वगैरह में या दूसरे, जैसे आप गोरखपुर से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ती है। कांग्रेचुलेशंस आपको मिले, ईश्वर करे जल्दी ही। पैंट्स आप पहनते हैं। बिलोंगिंग्स जो चीज़ें आपसे बिलोंग करती हों, आपकी हों, संबंधित वस्तुएं। ऑस्पिसेस संरक्षण को कहते हैं, क्या होता है बच्चों, जो आपके बड़े लोगों का संरक्षण होता है वो ऑस्पिसेस होता है। वैसे ऑस्पिसेस समझते होंगे जो शुभ मुहूर्त वगैरह होता है उससे भी संबंधित होता है। आंश दान या भिक्षा को कहते हैं। अर्निंग्स आपकी जो कमाई है। ग्लासेस जो आपके चश्मा होता है आपका उसको कहते हैं। थैंक्स आप देते रहते हैं। वेजेस, यहां पर बच्चों मैंने जो वेजेस का प्रयोग किया है वो ध्यान रखिएगा, ये किसके सेंस में है मेरी, मजदूरी के सेंस में। किसके सेंस में बच्चों, मजदूरी, ये है आपकी मजदूरी, पारिश्रमिक जिसको आप कहते हैं वो वेजेस है। जब वेजेस का प्रयोग आप पारिश्रमिक के सेंस में करिएगा तो आप इस वेजेस का प्रयोग प्लूरल करिएगा बच्चों, प्लूरल। लेकिन जब वेजेस का प्रयोग आप इस सेंस में करिएगा, फल के सेंस में, तो फिर वो आपका सिंगुलर हो जाएगा, जिसका मैंने आगे एग्जांपल आपको दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स विवरण को कहते हैं। क्रेडेंशियल्स जो आपकी जॉब वगैरह संबंधित आपकी पहचान पत्र वगैरह होते हैं वो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं। स्पेक्टेकल्स चश्मा हो गया आपका, गॉगल्स भी बड़े शीशों वाला चश्मा हो गया। शॉर्ट्स निक्कर को कहते हैं। ब्रीचेज जांघिया को कहते हैं। शॉक्स मोजे हो गए। शूज आप पहनते हैं। प्लायर्स जिसको आप पिलास कहते हैं बच्चों, याद करें। टंग्स चिमटा को कहते हैं। अमेंश क्षतिपूर्ति को कहते हैं बच्चों। अर्काइव्स नॉट आर्चिव्स, अर्काइव्स ऐतिहासिक दस्तावेजों को कहते हैं। एरियर्स बकाया राशि को कहते हैं। एम्बर्स राख को कहते हैं। फायरवर्क्स पटाखों से संबंधित चीजें जो होती हैं। लॉजिंग्स आवास को कहते हैं। आउट स्कर्ट्स सरहद को कहते हैं, जो सीमा होती है। प्रोसीड्स लाभ या आय को कहते हैं। रिचेस संपत्ति को कहते हैं। टाइडिंग्स खबर या समाचार को कहते हैं। ट्रुप्स सेना की टुकड़ियों को कहते हैं। वैल्यूएबल्स जो कीमती चीजें होती हैं। ईटेबल्स जो खाने वाली चीजें होती हैं। इनके अलावा जैसे आप फैंग्स लेते हैं, ये फैंग्स, फैंग्स क्या होता है बच्चों, डंक होता है ना, डंक जो होता है आप जानते हैं, डंक लोग मारते हैं। और वर्ड्स देख लें, ये वर्ड मैंने लिखा नहीं, देख लें आप, बाइनोक्यूलर्स होता है ना, दूरबीन को कहते हैं बाइनोक्यूलर्स। इसके अलावा ये वर्ड भी देख लें आप, गैलोज, गैलोज क्या होता है, जो फांसी का फंदा होता है वो गैलोज होता है। इसके अलावा ये भी देख लें बच्चों, बेलोज, जो लोहार की धौंकनी होती, फोकनी जिसको हम कहते हैं, कोई भी, ये भी क्या होता है, प्लूरल में ही यूज करते हैं। तो ये वर्ड्स आपके हमेशा क्या यूज करें आप, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करें। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के या आगे जरूर इनको तैयार करिएगा, काम आएंगे सारे, नाउन में भी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी। देखिए, यहां मैंने दिया माई स्पेक्टकल्स, मेरा चश्मा, तो अगर मेरे चश्मे की मैं बात कर रहा हूं तो इस नहीं होगा बच्चों, इसके बजाय क्या हो जाएगा यहां पे, आर हो जाएगा। यू हैव बॉट अ सीजर्स, सबसे पहले बच्चों सीजर्स के पहले ए न लगाएं, गलत है क्योंकि सीजर्स तो प्लूरल यूज होता है। विच किसके लिए है बच्चों, ये सीजर्स के लिए है, तो अगर सीजर्स के लिए है तो विच के साथ आप इस कैसे लेंगे, इस इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा।
एरियर्स, एरियर्स तो हमेशा प्लूरल में होता है ना, तो द एरियर्स ऑफ द पास्ट सेवरल मंथ्स, नहीं पिछले कई सारे महीनों की जो बकाया राशि हैज नहीं होगा, एरियर्स क्या होता है प्लूरल, तो फिर हैज के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। वेयर इज माई पैंट्स, पैंट्स तो प्लूरल में होता है ना, पैंटालून्स को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, पैंट्स कहते हैं, ये है आपका पैंटालून्स। जैसे मैथमेटिक्स को हम मैथ्स कहते हैं ना, वैसे ही पैंटालून्स को हम क्या कहते हैं, पैंट्स कहते हैं। तो वेयर इज माई पैंट्स, पैंट्स तो प्लूरल है ना, तो इस कैसे होगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। आम्स, आम्स क्या है, दान को कहते हैं, तो ये तो प्लूरल में यूज होता है, तो वाज नहीं होगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ऑल द असेट्स, असेट्स क्या होती है, संपत्ति, पूंजी को कहते हैं, तो अगर ये पूंजी है तो प्लूरल यूज करें असेट्स को, क्या हो जाएगा यहां पे बच्चों, वर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा असेट मीन्स गुण भी होता है, ठीक है, असेट मीन्स गुण होता है, अगर आप असेट यूज करें, असेट इसके मीन्स गुण होता है, और असेट्स मीन्स पूंजी या संपत्ति हो जाती है। वैसे ही अगर आप पास कई सारे गुण हैं तो खुद ही आपके लिए एक पूंजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिएगा आप पूरा, ये नेक्स्ट रूल आपका है, कुछ नाउंस देखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन प्रयोग में क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। ये नाउंस है कुछ हमारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे फिजिक्स जानते हैं, सिविक्स नागरिक शास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र को कहते हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, फोनेटिक्स स्वर विज्ञान, रेटोरिक्स अलंकार शास्त्र, पोएटिक्स काव्य शास्त्र, मैकेनिक्स यंत्र शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिकी को कहते हैं। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दिखने में प्लूरल हैं, लेकिन आप यूज में क्या करेंगे, इनको सिंगुलर यूज करेंगे। अभी पहले यहाँ एक चीज ध्यान रखेगा, ये सारी सब्जेक्ट जो हैं इनमें से कुछ है, जैसे ये आपका फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स हो गया, और आपका मैथमेटिक्स है, ये हो गया आपका, और पॉलिटिक्स है, ये हो गया, और इकोनॉमिक्स है, ये हो गया। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तब ये सिंगुलर होंगे, लेकिन अगर ये फिजिक्स आपकी कैलकुलेशन की क्षमताओं को शो करे, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की क्षमताओं को शो करे, पॉलिटिक्स राजनीतिक क्षमताओं को यूज करे, इकोनॉमिक्स अर्थ से संबंधित क्षमताओं को यूज करे, तो फिर आप इनको सिंगुलर नहीं यूज करिएगा। देखिए ये दो एग्जांपल देखें आप, आपने अगर कहा पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, सही है, यहां पॉलिटिक्स को हमने क्या माना, सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या लिया, इज। लेकिन अगर हम लिख दें यहां पे हिज पॉलिटिक्स, अब ये उसकी राजनीति विज्ञान तो है नहीं, तो जैसे हमने कहा हिज पॉलिटिक्स, इसका मतलब हम उसकी राजनीतिक क्षमताओं की बात कर रहे हैं, तो यहां इज नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी फिजिक्स मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो आप इनको सिंगुलर में यूज करिएगा, एस वी लीजिएगा, लेकिन अगर इनके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव माई आवर योर हिज हर देयर लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो जाए, या इनके पहले द लगा हो और ये उन क्षमताओं की बात कर रहे हो तो फिर ये प्लूरल हो जाए। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा, देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ कि आपको ये कॉमन सेंस का मतलब है, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस विलेज इज डर्टी, यहां कोई गलती नहीं, हम उस गांव की राजनीति की बात कर रहे हैं न कि राजनीतिक क्षमताओं की बात कर रहे हैं, इसलिए इस पॉलिटिक्स का क्या लगाया मैंने, इस लगाया। लेकिन अगर आप देखें ये वाक्य, यही वाक्य होता द पॉलिटिक्स ऑफ मोहन, अब तो हम मोहन की राजनीतिक क्षमताओं की बात कर रहे हैं, मोहन आर डर्टी हो जाएगा, यहां डर्टी ना लें बच्चों, बल्कि द पॉलिटिक्स ऑफ मोहन आर
वेरी गुड, ये हो जाए। चलिए इसके अलावा कुछ डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं जो देखने में प्लूरल लगती हैं, यूज में सिंगुलर होती। कुछ किताबों में नहीं, प्लूरल के सेंस में दिया गया, बट आप सिंगुलर यूज करिएगा। मम्स समझते होंगे, जो खसरा होता है वो मम्स होता है, गलसुआ कह सकते हैं, बल्कि मेजल्स को आप खसरा कह लें, ये बीमारियां आपकी हैं। शिंगल्स दाद खास की बीमारी होती है। रिकेट्स सूखा रोग होता है। रेबीज कुत्ते के काटने से फैला हुआ रोग होता है। अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द होता है। जिंजिवाइटिस मशूनों की सूजन होती है। देखने में सब में देखे एस लगा है, इनका यूज सिंगुलर में करिएगा। कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स सिंगुलर में यूज करिएगा, जिम्नास्टिक्स सिंगुलर में यूज करिएगा, बिलियर्ड्स डार्ट्स और ड्रॉट्स ये खेलों के नाम हैं, आप इनको सिंगुलर में यूज करिएगा। कुछ न्यूज़पेपर्स और बुक्स होती हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स जिसका आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, द नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं आप इनको सिंगुलर में यूज़ करिएगा। कुछ किताबें हैं, द अरबियन नाइट्स ये भी एक किताब है जिस पर एक सीरियल अलिफ लैला बना था। गुलीवर्स ट्रेवल्स गुन्नार मेडर के लिखे एक किताब है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन आप इनको सिंगुलर में यूज़ करिएगा। ऐसे ही कुछ देशों के नाम है, अगर आपको याद हों, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप इनको देशों के नाम है एक एक, तो इसलिए इनको आप सिंगुलर में यूज करिएगा न कि प्लूरल में यूज करिएगा। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिएगा यहाँ पहले मैंने कुछ और वर्ड्स दे दिए, देख लीजिएगा। न्यूज आप इन्हें भी क्या करिएगा, सिंगुलर में यूज करिएगा। समन्स क्या होता है, दो अर्थ होता है। देखिए समन्स दो अर्थ में दो होता है, अगर समन्स सिंगुलर है ना तो वो समन्स होगा, लेकिन अगर इसको आपको प्लूरल बनाना होगा तो आप ये लिखिएगा समन्सेस, क्या हो जाएगा प्लूरल का, समन्सेस। समन्स क्या होता है, बुलावा। जब कोर्ट किसी को समन्स भेजती है तो उसे बुलाती है कि आप कोर्ट में क्या हो, हाजिर हो। वेसेस मैंने पीछे डिस्कशन किया था, वेसेस क्या होता है, तनख्वाह के रूप में, मजदूरी के रूप में लेंगे तो आप इसे क्या यूज करिएगा, प्लूरल यूज करिएगा। लेकिन वेजेस का प्रयोग जब आप फल के रूप में यूज करिएगा तो क्या यूज करिएगा, सिंगुलर यूज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका मींस। मींस दो अर्थों में प्रयोग होता है। मींस का अर्थ अगर आप इस अर्थ में करें, माध्यम के अर्थ, ठीक है, मींस का अर्थ अगर आप माध्यम के अर्थ में लें तो आप इसे स्थिति अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन मींस का अर्थ अगर आप आय के अर्थ में यूज करें, तनख्वाह आय के अर्थ में यूज करें, तो इसका यूज हमेशा प्लूरल यूज करिएगा। यानी मींस का अर्थ अगर सिंगुलर, जो मैंने आगे एग्जांपल दिया होगा, अगर सिंगुलर है तो आप इसका सिंगुलर में यूज करिएगा और प्लूरल दोनों स्थिति अनुसार करिएगा, और अगर मींस का अर्थ आय के अर्थ में है तो आप इसको प्लूरल में ही यूज करिएगा। फिश सिंगुलर में भी होती है और प्लूरल में भी होती है, दोनों में यूज कर सकते हैं स्थिति अनुसार। ठीक है, एग्जांपल्स देखें। पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब यहां इस क्या है, सही है। द अरबियन, ये अरबियन होगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा। द अरबियन नाइट्स आर, ये तो एक किताब का नाम है ना, अगर एक किताब का नाम है तो आर कैसे हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, इस। द हिंदुस्तान टाइम्स आर, ये एक पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का, तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इच हो जाएगा। मेजल्स एक रोग का नाम है, तो फिर आर नहीं, क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। हिज न्यूज, न्यूज तो सिंगुलर होता है, तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। द समन्स, मैंने समन्सेस लिया है, तो समन्स है तो फिर हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। द समन्सेज, अभी प्लूरल हो गया ना समन्सेज, तो हैज नहीं, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हिज वेजेस इज एनफ टू अफोर्ड हाई एजुकेशन, इसका मतलब यहां ये तनख्वाह की बात कर रहा है कि उच्च शिक्षा को वहन करने के लिए उसकी वेजेस एनफ है, अर्थात यहां वेजेस अगर तनख्वाह के रूप में है तो फिर इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, और आगे देखिए, सारे स्क्रीनशॉट्स लेके आगे तैयार करते रहिएगा आप, और एग्जाम्पल्स दिए मैंने। द वेजेस ऑफ सिन, यहां तनख्वाह की बात नहीं है, पाप के फल की परिणाम की बात कर रहे हैं, तो फिर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। दिस मीन्स, देखिएगा एग्जाम्पल है, दिस मीन्स, मैंने इस मीन्स से पहले क्या ले लिया, दिस, इसका मतलब यहां इस क्या है आपका,
सही है, यानी यह माध्यम जो है इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, उपयोगी नहीं होने जा रहा है. दीज मीन्स, अब मीन्स के पहले मैंने क्या ले लिया, दीज, तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. हिज मीन्स यहां मैंने किस रूप में लिया, आय के अर्थ में. देखें, हिज मीन्स इज मीगर, उसकी आय कम है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड द हाई एजुकेशन ऑफ ए चिल्ड्रन. यानी यहां मीन्स का प्रयोग हम आय के अर्थ में कर रहे हैं. जब आय के अर्थ में कर रहे हैं तो आय के अर्थ में मीन्स क्या होता है, प्लूरल होता है. इसका मतलब यहां गलत है, यहां इस नहीं, क्या हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा. दिस फिश सिंगुलर यूज किया हमने, तो यहां इज सही है. द फिश आर ले लिया मैंने, सही है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, क्या ही इंपॉर्टेंट हमारे पास. हाँ, ये और भी इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें एग्जाम में आपको दिए जाते हैं. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल आप दोनों में स्थिति अनुसार यूज कर सकते हैं. ये नाउन्स क्या है, शीप भेड़ है, स्वाइन सुअरी को कहते हैं, डियर आप जानते हैं, मैकेरल, पाइक, कॉर्प, सैलमन और कॉड, ये क्या है, मछलियां हैं, अलग अलग मछलियां हैं. हेडक्वार्टर्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करें एक ही रूप में. बैरक्स सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करें एक ही रूप में. क्वार्टर्स जो मकान होते हैं रहने के लिए एक ही रूप में यूज, मतलब एक ही शब्द दोनों रूप में यूज करें. एयरक्राफ्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही रूप में रहेगा. अपैरेटस जिसके में उपकरण होता है एक ही रूप में रहेगा. सीरीज और स्पेसीज एक ही रूप में रहेगा. इनमें आप कोई फर्क नहीं करें, आप इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में एक ही तरह से यूज करें. जैसे सम डियर लिया मैंने, ठीक, सम डियर मीन्स कुछ डियर, तो यहां हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि डियर में एस नहीं जोड़ सकते हैं. दिस शेप, दिस ले लिया मैंने, दिस शेप, इसका मतलब आर नहीं, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा. दोज शेप, इसका मतलब इस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स, तो एक ही होगा ना, तो इसलिए यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा. द हेडक्वार्टर्स ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके कई अलग अलग क्या होंगे, हेडक्वार्टर्स होंगे. और अगर अलग अलग हेडक्वार्टर्स होंगे उनकी वर्ब भी प्लूरल होगी, जो ऑलरेडी आपको प्लूरल दी गई है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे. देख लीजिएगा ये रूल भी आप, ये सब नाउन्स हैं जो आपको दिए गए हैं. एक तो ये छह रूल्स आपके थे जो आपको दिए गए. आप इन छह रूल्स को अच्छे से देखिएगा, ताकि ये नाउन से संबंधित जो सारे रूल्स आपको दिए गए आप इन्हें अच्छे से क्या कर लें, तैयार कर लें. ठीक है, ये मेरा सेगमेंट लास्ट था, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट सेगमेंट था. जो बचे हुए रूल्स थे वो मैंने आपको दिए. अब आपकी शुरू होगी एक्सरसाइज, यानी अब जितने रूल्स आपने पढ़े या जो छूटा भी होगा, जो कुछ भी, इन पर जो भी एक्सरसाइज है वो आप एक दो दिन में रेगुलर आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए. वही आपका फायदा है, जो भी आपको मैं सेंटेंसेस दूंगा एक्सरसाइज के रूप में, वो सारे सेंटेंसेस वही होंगे जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, तो आप इनका फायदा ले सकते हैं बच्चों. तो एक दो दिन वेट कर लिए, आप इस सारे जो 8 पार्ट्स आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़े आपने, ये सारे आप प्रिपेयर कर लें जल्दी से. अब आपको 1 से 2 दिन में दे रहा हूं, ताकि इसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें, जिससे हम चैलेंजिंग वे में लें और पूरा सॉल्व करने की क्या करें, हम कोशिश करें. ठीक है, जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित जो एरर्स दी जाती हैं वो सॉल्व करने में आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, और तब आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल नहीं रहेंगी, आपके लिए आसान हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जो हम जल्दी ही देखेंगे और मिलेंगे आपसे.